Good morning, all of you. Welcome to the Yasanda School. Myself, Swati Mahavar. We are doing Microeconomics. Chapter number 6. Topic is Revenue. This is the first part of this topic. We start with the definition of revenue. What is revenue? Revenue kya hota hai? कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हम करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद में जब उसको मार्केट के अंदर ले जाने के लिए सेल करते हैं, तो वो जो कॉस्ट आता है, वो जो पैसा हमारे पास आता है प्रोड्यूसर के पास, जो उसको बेचने के बाद में जो पैसे आते हैं, वो पैसे उसकी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू कहलाएगा. सी द डेफिनेशन. बाय सेलिंग अ कमोडिटी, व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव्स इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू. किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज़ को मार्केट में जब हम सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद में जो मनी फर्म के पास आता है, जो पैसा फर्म के पास आता है, वो पैसा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा. रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. रेवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग अलग चीज़ें हैं. रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है, जो रेवेन्यू होता है उसके अंदर जो कॉस्ट आती है और क्या होता है? प्रॉफिट होता है. कॉस्ट क्या होती है? बनाने के अंदर, उस कमोडिटी को बनाने के अंदर जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा. और प्रॉफिट क्या होता है? जो फायदा होता है, जो मुनाफा होता है, वो मुनाफा क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है. ठीक है, कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला के हम क्या बना देते हैं? रेवेन्यू. यानी कि रेवेन्यू के अंदर क्या आ गया? एक तो उस चीज़ को बनाने का खर्चा, प्लस उसका जो मुनाफा हुआ, उसको बनाने के जो भी हमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी इसमें आ जाएगा, रेवेन्यू में. अब यहाँ पर देखो, प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा. ठीक है, रेवेन्यू यानी कि जो पैसे प्रोड्यूसर के पास में आए हैं, वो पैसों में से माइनस कर देगा वो, जो उसका खर्चा हुआ है, जो कॉस्ट आई है उसकी, तो उसका क्या निकल जाएगा? मुनाफा निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा. और कोई भी प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है तो किसके बिहाफ पे करता है? प्रॉफिट के बिहाफ पे. उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. अगर किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट होगा तो ही वो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा, नहीं तो प्रोडक्शन बंद कर देगा. आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू. यानी कि पी क्या हो गई? प्राइस. और क्यू क्या हो गया? क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा. इट रेफर्स टू मनी रिसीव्ड ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट. सी द डेफिनेशन. ये वो मनी है, वो पैसा है, वो मनी रिसिप्ट है जो फर्म के पास में आते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट. ठीक है, जितना भी टोटल उसका आउटपुट होगा, उस टोटल आउटपुट को जब वो सेल कर देगा तो वो जो पैसा होगा, वो पैसा क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू कहलाएगा. समझ में आई बात? जितना भी उसने बनाया, जितनी भी क्वांटिटी उसने बनाई है, उस पूरी क्वांटिटी को जब वो सेल कर देगा तो वो पूरी क्वांटिटी का जो रेवेन्यू होगा, जो मार्केट से आया हुआ पैसा होगा, वो क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू कहलाएगा. नेक्स्ट है एमआर. एमआर क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? TRN - TRN - 1. कि टोटल रेवेन्यू की जो एन यूनिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू की N-1 यूनिट. आया समझ में? TRN इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड TRN-1 इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ N-1 यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, TRN क्या होता है? एन यूनिट ऑफ आउटपुट का टोटल रेवेन्यू. और TRN-1 क्या होता है? N-1 यूनिट का टोटल रेवेन्यू. ठीक है, इट इज द चेंज इन TR व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस्ट के अंदर, MC के अंदर, MCTC के अंदर. उसी तरीके से जो रिलेशन MCTC में चलता है वही यहाँ चलेगा. तो TR जो है, TR के अंदर अगर हम एक या एक से ज्यादा यूनिट ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा. आया समझ में? इट इज द चेंज इन TR के अंदर आने वाला चेंज है व्हेन वन और मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड. अगर एक से ज्यादा कमोडिटी हम सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो
वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे कॉस्ट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी बातें हम करेंगे वो सब किसके लिए करेंगे, प्रोड्यूसर के लिए करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? MRTR समझ में आ गया? TR क्या होता है, टोटल क्वांटिटी होगी जितनी भी प्रोड्यूस की जाएगी उस फर्म के द्वारा, और MR क्या होगा, जो टोटल क्वांटिटी होगी उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा यूनिट जब हम सोल्ड कर देंगे, उस ऐड कर देंगे जो बिकी भी जो यूनिट है, तो वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, नाउ एवरेज रेवेन्यू। अभी हमने क्या पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और अब हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला AR = TR अपॉन क्वांटिटी। इट इज पर यूनिट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, इट इज सेम एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आया समझ में? क्या लिखा है यहाँ पे कि जो पर यूनिट का जो रेवेन्यू निकलता है, एक यूनिट बनाने का जो रेवेन्यू आता है, कि एक यूनिट बेचने पे जो पैसा आया एक यूनिट का, वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। एंड इट इज सेम एज प्राइस, और वही उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी। आई बात समझ में? प्राइस जैसे कि रेट होती नहीं, होती है ना, हम कोई चीज खरीदते हैं तो पूछते हैं भैया क्या रेट है इसकी, तो वो रेट क्या होती है, प्राइस। रेट पूछते हैं ना, रेट क्या रेट है, क्या प्राइस है, तो पर यूनिट की जो प्राइस होगी वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। समझ में आ गया? अब उसको जाके पूछना भैया एवरेज रेवेन्यू क्या है इसका। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट का जो प्राइस होता है वो क्या कहलाता है, एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या होगा इसका, TR अपॉन क्वांटिटी। नाउ सी द रिलेशन बिटवीन TR, MR एंड AR व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो TR, MR और AR इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस हमारा यहाँ पे क्या है, AR, ये जो AR है वही हमारी क्या है, प्राइस है। याद कर लेना बहुत अच्छे से, AR प्राइस होती है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ये क्या है, MR है, 10 10 10 10 10। MR क्या है, 10 आ रहे हैं सारे, 0-1 लेवल ऑफ आउटपुट से लेकर के 50 लेवल ऑफ आउटपुट तक हमारे MR कितने आ रहा है, 10 आ रहा है। TR हमारा क्या है, 10 20 30 40 और 50। MR हमारा कितना आ रहा है, 10 10 10 10 10, सॉरी यहाँ पर जो है ये AR है। ठीक है, सबसे पहले AR है, फिर TR है, और फिर MR है। AR हमारा कांस्टेंट है क्योंकि प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप एक चीज़ खरीदो, चाहे आप 10 चीज़ें खरीदो। ठीक है, एक यूनिट खरीदो चाहे 10 यूनिट खरीदो, आपका जो प्राइस स्टार्टिंग में 1 यूनिट पे लगेगा वही नीचे 10 यूनिट्स तक लगेगा। ठीक है, तो उसी वजह से AR हमारा यहाँ पे पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। अब AR गिवन है तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। इसको टोटल रेवेन्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एवरेज रेवेन्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर देखो फॉर्मूला, TR = AR into Q। AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, क्योंकि पर यूनिट का प्राइस हमको पता चल गया। AR वही ही होता है पर यूनिट का प्राइस, पर यूनिट का प्राइस पता चलने के बाद हम जब उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, TR आ जाएगा। बहुत ही इजी सी चीज़ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या देखा था, TRN - TRN - 1। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने देख लिया था TR अपॉन Q, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने देख लिया AR into Q, और एक और होता है टोटल रेवेन्यू इज σMR। MR का जो टोटल होता है वो टोटल क्या होता है, TR होता है। ठीक है, अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, TRN - TRN - 1, यानी कि टोटल रेवेन्यू N, टोटल रेवेन्यू का जो N यूनिट है, N यूनिट कौन सा हो गया, ये नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, N - 1। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर होगा वो N होगा, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, N - 1। इस N में से N - 1 को माइनस करेंगे, यानी 20 में से 10 को हमने माइनस करा तो कितना आ गया हमारा, 10। इसमें यहाँ पर ये 50 का ले रहा है, 50 - 40 = 10। देखो
20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10, 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10 एंड 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10। समझ में आई बात? अब यहाँ पर एक चीज और है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। याद हो गया होगा अब तो कि एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, प्राइस होती है, पर यूनिट ऑफ रेट होती है वो। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, ए आर इंटू क्यू। एवरेज रेवेन्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एम आर क्या होता है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ठीक है, टी आर एन नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक इसकी प्रिंसिपल है, एक इसका, इफ ए आर इज कॉन्स्टेंट, अगर ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो एम आर किसके बराबर हो जाता है, ए आर के बराबर हो जाता है। देखो ये ए आर यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। वन यूनिट ऑफ आउटपुट पे भी हमारा ए आर कितना है, 10 है, और 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पे भी हमारा ए आर क्या है, 10 है। तो एम आर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है। ठीक है, एम आर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है। ये 10 10 10 10 जा रहा है तो ये भी 10 10 10 10 ही रहेगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द टर्म व्हेन ए आर इज कॉन्स्टेंट देन एम आर इज इक्वल्स टू ए आर। आप इसको एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप इसका स्केड्यूल बनाओगे, स्केड्यूल बना के आप उसको पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना। ठीक है, स्केड्यूल बनाओगे तो उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि ए आर हमें क्या लेना है, कॉन्स्टेंट लेना है। चाहे 10 10 ले लो, चाहे 20 20 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, जितना भी आप यहाँ पर लोगे, जो भी आप यहाँ पे ए आर लोगे वही एम आर यहाँ पर आएगा। इनको माइनस जब हम करेंगे टी आर को तो वही एम आर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और ये जो टी आर होना चाहिए वो सेम टर्म में इंक्रीज होना चाहिए। जैसे 20 से 20 का हम गैप ले रहे थे, 20 40 60 80, तो सेम गैप के अंदर इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 20 ले लिया, फिर यहाँ पे 50 ले लिया, फिर यहाँ पे 70 ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 80 ले लिया, तो इससे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हमारा कॉन्स्टेंट लेंगे, ये जो है टी आर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लेना है, लेकिन सेम डिफरेंस में, डिफरेंस सेम होना चाहिए, और एम आर इसमें ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा किसके, ए आर के। समझ में आ गया ये टर्म आप लोगों को? ये सेकंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका इस टॉपिक का। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ।